हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं बना रही हूँ निहारी। सो सबसे पहले आप सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो चलिए हम अपनी निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं निहारी बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। हम पहले इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर लहसुन को हम पकाएंगे। सुनहरा होने तक हम लहसुन को पकाएंगे। देखिए हमारे लहसुन थोड़ी पक रही है, तो इसके हम अच्छे तरीके से हम उसको जो है स्पून के साथ घुमाएंगे। थोड़ा सुनहरा होने तक इसको हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें जो है हम इसमें अब अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा घुमाएंगे, फिर हम इसके अंदर अपना शान निहारी मसाला डालेंगे। ये देखिए ये शान निहारी मसाला। इसको हम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद थोड़ा और मसाला डालेंगे। अगर हमें कम लग रहा है तो अपने हिसाब से हम मसाला इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको घुमाने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम इसमें हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे थोड़े हसबे ज़रूरत। फिर नमक ऐड करेंगे, नमक भी हसबे ज़रूरत। इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसको हम ऑयल पे आने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप पानी ऐड करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसको जो है हम छोड़ देंगे। हमने इसमें एक कप पानी डाला था, फिर हम जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें आटा डालेंगे। आटे में थोड़ा पानी डाल के फिर वो डाल देंगे, ताकि इससे जो हमारी जो यखनी होती है निहारी की वो अच्छी बनती है। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा डाला। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इसकी जो यखनी है, अब इसमें हम जो है थोड़े प्याज जो है ना उनको हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक हम प्याज को पकाएंगे अच्छे तरीके से कि ये पक जाए। इसको हमें जब तक ये पकते नहीं हमें इसे स्पून से हिलाते रहना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो प्याज है हमारी वो सुनहरी होने तक पक जाए।
इसको स्पून से हम हिलाते रहेंगे। जो प्याज़े हमारे वो पकेंगे अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम जो है इसको निहारी में ऐड कर देंगे। अब हमारी जो निहारी है वो रेडी हो चुकी है और अभी ईजान मज़े मज़े लेकर वो निहारी खा रहा है। बहुत ही मज़े की निहारी बनी है। सो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें और जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी इंशाल्लाह।